ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज अपना ट्रैक्टर फाइनल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। मशीन सर काम चालू होता तो काय अडचण आली नाही। सिर्फ ट्रैक्टर का सेंसिंग का प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो भी सॉल्व हो चुका है और ट्रैक्टर अभी दबता नहीं, दब के नहीं चलता। पहले क्या होता था, 1500 RPM सेट करते थे, उस वक्त ट्रैक्टर किस किस जगह पे दबता था, 1300 RPM आता था। अब देखो, हाँ इकडे हाल दाबाय अभी ट्रैक्टर हाई के पहले गियर में चल रहा है। Thank you.
अभी एक आतीस रह गया। अभी अपने ट्रैक्टर का प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। ट्रैक्टर से हाइड्रोलिक सेंसिंग ने कर रहा था, आप ये नट देख सकते हो। ये हुक ये तीन आटे कम से कम तीन आटे उधर सर का गया है, लंबा कर दिया थोड़ा सा, इसलिए अभी ट्रैक्टर सेंसिंग सही तरीके से कर रहा है। और आप प्लाव भी देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से चल रहा है। और अपना सही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी ट्रैक्टर हपकता नहीं है, दबता नहीं है। और आज अपना सही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेंसिंग के वजह से ये प्रॉब्लम आई। और टापलिंग देख सकते हो आप, इधर बेंड हो चुकी है, इसमें हम बदला देंगे टापलिंग। और उन्होंने मुझे कहा टापलिंग ट्रैक्टर के साइड झुकनी चाहिए और प्लाव जो इम्प्लीमेंट रहता है ऊपर रहनी चाहिए। आप ये देख सकते हो जब सीधी रहती हूँ उस वक्त ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से सेंसिंग नहीं करता। और अपने कल्टीवेटर का ही ये बढ़वा देंगे, ऊपर करवा देंगे वो लेवल में है ना, इसलिए यही प्रॉब्लम था सेंसिंग का था सिर्फ। और मैं आपका हाइड्रोलिक ये दिखाता हूँ सेटिंग। इधर ऑफ रहता है, जब हम ये ऐसा नीचे करेंगे ना तब ट्रैक्टर की सेंसिंग नहीं होगी। और कम से कम हम इसे इसके ऊपर रखें, ऑफ के ऊपर रखेंगे तब ट्रैक्टर अच्छी तरीके से सेंसिंग करेगा। चार नंबर, दो नंबर, एक नंबर, ऐसे तरीके से। और ये पट्टी पूरी नीचे करवा दी है, नीचे रखता हूँ मैं। और उस वक्त ऐसा प्लाव लगता है, इतनी गहराई लेते कम से कम एक फुट से थोड़ी ज़्यादा गहराई ले रहा है। और हमें ज़्यादा गहराई लेनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाइड्रोलिक आगे वाले होल में डालना पड़ेगा। और हमें गहराई कम चाहिए उस वक्त पीछे वाले होल में डालना पड़ेगा। मैंने ये पीछे वाले होल पे डाला है। और आप ये पट्टी देख सकते हैं, ये पट्टी ऐसी आड़ी पट्टी है। जब हम वो भी पट्टी डालते उस वक्त प्लाव किस जगह पे लगता है और किस जगह पे नहीं लगता दोनों तरफ वैसे देख सकते हैं। ये आड़ी क्लिप है। और अच्छी तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।